हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। और आज हम आपके लिए एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस वीडियो के बारे में हमारे साथ एक बहुत ही इनोसेंट से इंसान आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये बताएंगे कि वीडियो जो है आज जिस पर हमें रिएक्शन देना वो कौन सी है। जी राशिद भाई, बताएँ ऑडियंस को। आपने बताइए कौन सी वीडियो है? मुझे तो नहीं मालूम भाई। अच्छा तो गाइस, आपने क्या क्या सरप्राइज देने वाले हैं कि कौन सी वीडियो है, मैं आप कैसे बताऊं? अच्छा चलिए बता दें, कोई मसला नहीं है। ऑडियंस ने आप ही बताएं फिर, अगर बताने वाले तो मुझे तो नहीं पता कुछ भी। ये हरासा नहीं करें, देखें मुझे नहीं मालूम। जी तो गाइस, हमारे जैसे कि राशिद भाई वैसे ही आपको पता है इनोसेंट है, उनको कुछ मालूम नहीं होता। तो आज मैं ही आपको बता देता हूँ, एक टावर है जो कि अभी नेपाल में उसकी कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट हुई है और उसका इनॉग्रेशन भी केपी ओली जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने किया। तो जल्दी से देखते हैं वो कौन सा टावर है और क्या है उसके अंदर इतना खास। आई थिंक कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो प्लेस ना, तो जल्दी से वीडियो की तरफ चलते हैं। लोग घूम रहे हैं। हाँ इस तरह। अच्छा वो देख लिया था आपने? देख लिया, वीडियो नहीं देखी थी। चलें गाइस जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। A few moments later. जी तो फ्रेंड्स, वीडियो करने लगे हैं हम स्टार्ट एज यूजुअल काउंटडाउन से। 3 2 1 लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, जय नेपाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों कोरोना के इस कठिन दौर में आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज का जो कठिन समय है, अगर इस समय में किसी विषय में अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो हम सभी के लिए दोस्तों मलहम का काम करती है। दोस्तों नेपाल से निकलकर एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आ रही है जिसके बारे में इस वीडियो में आपसे विस्तार में बात करने वाला हूँ। दोस्तों नेपाल ने अपनी ऐतिहासिक धरोहर को पूरा कर लिया है। चलिए इस पर हमारी पूरी रिपोर्ट को विस्तार में देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर प्रकार के अपडेट मिलते हैं। काफी बड़ा है ना? दोस्तों नेपाल में स्थित नेपाल की शान और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो कि 2015 यानी 2050 में नेपाल में आए अर्थक्वेक में तबाह हो गया था, नेपाल का धरहरा अब पूरा बन चुका है। दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, इसका पूरा 3D मॉडल जो कि अभी दिख रहा है आपको और जो आपको दिख रहा है वो धरारा है नेपाल का। हाल ही में दोस्तों इसका उद्घाटन नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सबसे ऊपर टॉप पे जाके इन्होंने इनॉग्रेशन किया और ऊपर से फूल गिरे। 28 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ही इस धरारा की नींव रखी थी और ये धरारा का पूरा दोस्तों स्ट्रक्चर जो है वो पुराने धरारा जैसा ही है और ये नेपाल के ऐतिहासिक धरोहर है और नेपाल की शान भी है। दोस्तों इस धरारा में दो एलिवेटर हैं जो कि ट्रेडिशनल सीढ़ियां भी हैं जो कि ऊपर तक जाती हैं और इसको बनाने के खर्चे की बात करें तो 3.48 बिलियन रुपीज़ इसका खर्चा आया है। इस धरारे के आसपास आप गार्डन देखेंगे, म्यूजियम देखेंगे, कलरफुल फाउंटेन देखेंगे, एग्जीबिशन है, हॉल है, पार्किंग है और आदि व्यवस्था की गई है। यानी कुल मिला के दोस्तों टूरिस्ट के लिए हर प्रकार की व्यवस्था इस धरारे के लिए कर दी गई है और नेपाल के इतिहास को अब यह धरारा और अच्छे से बताने की कोशिश करेगा और नेपाल के पर्यटन स्थल और पर्यटक को भी यह आकर्षित करेगा। दोस्तों एक उम्मीद करने वाली बात यह भी है कि जब धरारा बन रहा था तो पूरे नेपाल ने इस पर धरारे बनने के लिए योगदान दिया। बात करेंगे नेपाल आर्मी की तो नेपाल आर्मी ने 61.7 मिलियन रुपीज़ का इसमें डोनेशन दिया, यानी नेपाल आर्मी ने भी इसमें सहयोग किया। बात करेंगे इस धरारे की तो यह धरारा दोस्तों भीमसेन टावर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि भीमसेन टावर के नाम से भी जाना जाता है जो कि पहले 203 यानी 203 फीट का था। और बात करेंगे इसकी तो इसको दोस्तों मुख्तियार ने बनवाया था नेपाल के मुख्तियार। दोस्तों बात करें उस समय प्रधानमंत्री के बराबर होते थे जिनका नाम भीमसेन थापा था, उन्होंने बनवाया था और ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड यूनेस्को की दोस्तों आर्किटेक्ट ऑफ काठमांडू की श्रेणी में भी इसको रखा गया है। यानी ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है विश्व के लिए भी साथ साथ नेपाल के लिए भी। लेकिन दोस्तों 1934 में और 2015 में भूकंप आए नेपाल में, दो अर्थक्वेक आए जो भयानक अर्थक्वेक आए जिसने दोस्तों नेपाल के साथ साथ पूरे विश्व को हिला कर रख दिया। नेपाल में ऐसा भूकंप अर्थक्वेक देखते ही दोस्तों दुनिया भर सहम गया था और नेपाल में कई ऐसी जो ऐतिहासिक धरोहर है उनको नुकसान पहुंचा, उसमें ये धरारा भी था। दोस्तों ये 8 फ्लोर पे बना था जिसमें बात करेंगे जो इसकी बालकनी जो है वो पैरानॉर्मल व्यू की थी जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं और इसकी छत जो थी वो 5.2 मीटर की थी और ये ब्रॉन्ज की बनी थी। बात करेंगे धरारे को पहले मिलिट्री यूज़ में रखा जाता था, मिलिट्री यूज़ समझ सकते हैं ये बहुत ऊंचाई पर है तो मिलिट्री यहाँ देख सकती है कि आसपास क्या हो रहा है सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। बात करेंगे इस टावर को आप पूरी तरह से देख सकते हैं, ये खूबसूरत टावर है जो कि नेपाल में स्थित और पर्यटक को भी ये दोस्तों बहुत आकर्षित करेगा
और जरूर मैं नेपाल में जब जरूर जाऊंगा तो इस धरहरा को जरूर देखूंगा, क्योंकि इसका इंतजार पूरा नेपाल कर रहा था और पूरा विश्व कर रहा था कि नेपाल में जो 2015 में जो जो चीज ऐतिहासिक धरोहर टूटे हैं वो वापिस पूरे बन जाएं, और आखिरकार ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ये आने वाली पीढ़ियों को भी नेपाल के इतिहास से परिचित कराएगा, और ये बहुत जरूरी है और नेपाल ने यहाँ पे किया है कि वो अपनी चीजों को संजोकर रखना जानता है। ये बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, आप इस वीडियो को आप एंजॉय कीजिए, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपसे जय नेपाल, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। A few moments later. तो फ्रेंड्स वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म। काफ़ी अच्छा लगा हमें वीडियो, और सबसे बड़ी बात कि जो इनका ये आई थिंक टावर था, इसका कोई बैकग्राउंड भी है, लाइक कोई उनके वहाँ के पहले किंग थे जिन्होंने ये पहले बनवाया था, तो वो अर्थक्वेक आया वहाँ पर नेपाल में जिसकी वजह से वो मतलब कि उसको डैमेज हुआ था काफ़ी। लगभग 2015 में आया था अर्थक्वेक और वहाँ से वो ख़त्म हुआ, और फिर एक हिस्टोरिकल वहाँ पे इसकी वो एक जगह है वहाँ पे टावर की, तो दोबारा इन्होंने कंस्ट्रक्शन करने का सोचा और मिलिट्री ने भी उसके अंदर कोऑपरेट किया, डोनेट किया पैसा और जाके टावर दोबारा खड़ा हुआ। और अच्छी चीज़ है इसके अंदर जो आजकल हम देख रहे हैं कि शीशे हैं बिल्डिंग्स में और ऊंचे की बिल्डिंग्स में और इस तरह की कुछ मॉडर्न चीज़ें वो नहीं है, उन्होंने अपने कल्चर को जो जैसा ही पहले था उन्होंने वैसे आर्किटेक्चर है ना, लाइक वो जैसे नेपाल का है बेसिकली उन्होंने एज इट इज वैसे उसको बनाया, और आई थिंक पुराने जो बना हुआ होगा ना, जो पुराना होगा उसके ही तरह उन्होंने बनाना था, सेम वैसे जैसे वो गिरा था अर्थक्वेक में, वैसे ही खड़ा किया। तो सीरियसली बहुत ही अच्छी थी वीडियो, हमें तो बहुत पसंद आई। और सबसे मजे की बात, मैं एक जगह पे एक चीज पूछना चाहूंगा, वो आप लोगों ने हमें कॉमेंट्स में बताना है कि उसमें उस वीडियो में कहा था कि ये सिर्फ आर्मी यूज करती रह गई। नहीं, पहले आर्मी करती थी, ऊंचाई पे था उसको इर्द गिर्द की लोकेशन को देखने के लिए क्या हो रहा है इर्द गिर्द में, पर अब तो जो है ना टूरिस्ट के लिए बना रहे हैं, टूरिस्ट ही वहाँ पे विजिट करेंगे और बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट विजिट कर रहे हैं। सही सही जी। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट्स एज यूजुअल कीजिएगा, और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करके हमें बताएं। अगर आपको कोई और वीडियो जो मालूम है जिसपे हम रिएक्शन दे सकते हैं तो प्लीज़ हमें सजेस्ट करें वीडियोज के अंदर। तो इसके साथ हम दोनों भाइयों को दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।